हैदराबाद, द सिटी ऑफ निजाम्स, मोतियों और जायकों से भरा खूबसूरत शहर। हैदराबाद का जो कल्चर है, ये कल्चर में एक सलीका है। हैदराबादी लोग खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। निजाम के जमाने से जो चलते आ रहा खाने का तरीका, वो बहुत शाही है। इस रॉयल सिटी की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे हैं करीब 120 साल पुरानी स्वीट शॉप में, हमीदी कन्फेक्शनर्स। इसे मामूली स्वीट शॉप मत समझिएगा, ये उस शख्सियत की फेवरेट शॉप थी जो कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर। कहते हैं जब निजाम शहर से गुजरते थे ना, तो सारा बाजार बंद कर दिया जाता था। लेकिन एक दिन जब वो इस गली से गुजरे, तो उनकी नजर लैम्प्स की रोशनी से जगमगा रही मोहम्मद हुसैन की दुकान पर पड़ी। बस फिर क्या था, निजाम ने उन्हें पैलेस में बुलवाया और उनकी बनाई मिठाई चखी। खाते ही बोले, अब से आप ही हमारे लिए मिठाई बनाएंगे। उसके बाद से जो है हम ऑफिशियल सप्लायर बन गए निजाम। यही नहीं, निजाम इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद ही इस दुकान को वही नाम दे दिया जिससे वो अपने बेटे को प्यार से बुलाते थे, हमीदी। जानते हैं इस दुकान की वो क्या चीज थी जो निजाम को इतनी पसंद आई? जौजी हलवा, जिसे टर्की की देन माना जाता है। जौजी हलवा मल्टीपल ड्राई फ्रूट से बनता है, उसमें बादाम है, पिस्ता है, जाफरान है, और ये सारा बनता है प्योर घी से। और इसका बेस जो है वो ओट्स मिल्क। अरबिक में नटमेग यानी जायफल को जौज कहते हैं। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस डिश को बेहद अनोखा बनाता है। सारे चीजों को मिलाकर 8 घंटे पकाया जाता है। 8 घंटे पकने के बाद ये जौजी हलवा बनता है। इसके टाइमिंग्स है कि आप पर्टिकुलरली इतने घंटे पकाने के बाद उसमें घी डालना पड़ता है। उसके बाद इतनी देर के बाद उसमें बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट डालना पड़ता है। फिर उसको नीचे रखने के बाद फिर उसको बेक करना पड़ता है। तो बेक होकर उसके बाद जौजी हलवा तैयार। सालों पुरानी रेसिपी पर बारीकी से ध्यान देते हुए यहाँ हर रोज 100 किलो हलवा बनता है। जौजी हलवा एक सिर्फ मिठाई नहीं है, ये एक हकीमी हलवा है। आप इसको जो है अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। वाओ, किसे पता था टर्की की एक डिश हैदराबाद के शाही महल की शान बन जाएगी।